कल बॉलीवुड के कुछ स्टार्स के लिए बेहद ही खास दिन था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से जो फिल्में काफी महीनों से रिलीज के लिए अटकी पड़ी थी उनकी कल OTT पर रिलीज होने की ग्रैंड अनाउंसमेंट हुई, जिसमें लक्ष्मी बॉम्ब, भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, सड़क 2, दिल बेचारा, द बिग बुल, खुदा हाफिज और लूट केस जैसी फिल्में शामिल थी। और आपको बता दें कि OTT प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार के साथ कल बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, अजय देवगन, अभिषेक बच्चन और वरुण धवन की स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। लेकिन गौर करने वाली बात ये थी कि OTT पर रिलीज होने वाली 7 फिल्में थी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सिर्फ 5 स्टार्स को ही बुलाया गया, यानी इस मीटिंग में विद्युत जामवाल और कुणाल खेमू मिसिंग थे। और आपको बता दें कि इसी बात को लेकर अब एक्टर विद्युत जामवाल बेहद नाराज हुए हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी ट्विटर पर भी जाहिर की। दरअसल उन्होंने एक सरकास्टिक ट्वीट करते हुए अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने लिखा, अ बिग अनाउंसमेंट फॉर श्योर, 7 फिल्म्स शेड्यूल्ड फॉर रिलीज बट ओनली 5 आर डीम्ड वर्दी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, 2 फिल्म्स रिसीव नो इनविटेशन और इंटीमेशन, इट्स अ लॉन्ग रोड अहेड, द साइकिल कंटिन्यूज। आपको बता दें कि विद्युत के इस ट्वीट पर उन्हें इंडस्ट्री के कुछ लोगों ने और फैंस ने सपोर्ट भी किया है। विद्युत के इस ट्वीट को फिल्म डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने रीट्वीट किया और लिखा, बिकॉज यू आर एन आउटसाइडर सिंपल, यानी विवेक का कहने का मतलब है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में विद्युत को इसलिए नहीं इन्वाइट किया गया क्योंकि वो एक आउटसाइडर है, जिसके बाद से अब एक बार फिर इंडस्ट्री में निपोटिज्म को लेकर बहस छिड़ गई है। इतना ही नहीं, फैंस ने ये भी कहा है कि वो स्टार किड्स की फिल्मों को इग्नोर करेंगे और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत और सेल्फ मेड एक्टर्स की ही फिल्में देखेंगे। तो वहीं एक्टर कुणाल खेमू ने भी इसको लेकर अपनी डिसअपॉइंटमेंट जाहिर की है। कुणाल ने भी एक क्रिप्टिक ट्वीट करके अपनी नाराजगी जाहिर की। देखिए उनका ट्वीट, इज्जत और प्यार मांगा नहीं कमाया जाता है, कोई ना दे तो उससे हम छोटे नहीं होते, बस मैदान खेलने के लिए बराबर दे दो, छलांग हम भी ऊंची लगा सकते हैं। आखिर विद्युत और कुणाल के साथ इस तरह का बर्ताव क्यों किया गया? क्या वाकई में इंडस्ट्री में स्टार किड्स और बड़े स्टार्स को ही इम्पोर्टेंस दी जाती है और सेल्फ मेड स्टार्स की कोई इज्जत नहीं? क्या जो एक्टर एक छोटे शहर से बिलोंग करता है या जिसका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं? जाहिर है ये कुछ ऐसे सवाल है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर अब एक डिबेट का रूप ले चुके हैं। मगर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, शेयर कीजिए अपनी राय कमेंट सेक्शन में। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।